नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी की जंग एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मन बना लिया है। बता दें कि पानी की लड़ाई का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि इस समय यमुना नदी में अब तक सबसे कम जल स्तर है, क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोका है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड ने फैसला किया है कि वो हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ताकि दिल्ली को उसके कानूनी हक का हिस्सा मिल सके जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में तय किया था। सुनिए राघव चड्ढा का ये पूरा बयान। दिल्ली एक लैंडलॉक शहर है। दिल्ली के पास अपनी कोई वाटर बॉडी, अपना समुन्दर नहीं है आसपास। दिल्ली सदैव से पड़ोसी राज्यों पे पानी की सप्लाई के लिए निर्भर रहा है। दिल्ली ने पिछले कई दशकों में पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन करी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के माध्यम से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी, हरियाणा की सरकार यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी, पंजाब की सरकार भाखड़ा नंगल से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए संधियां औपचारिक तौर पे दोनों सरकारों ने हस्ताक्षर करके फिक्स करी है, जिसके तहत आज तक दिल्ली में पानी की सप्लाई आती रही। इस बार हम जो चीजें देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। आज वो नदी सूख गई है। वजीराबाद पॉन्ड पे यमुना नदी का स्तर, उसकी हाइट 674.5 फीट होना चाहिए, उसमें अगर एक फीट की भी कटौती आ जाए तो पूरी दिल्ली में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। और मुझे बताते हुए दुख है, पीड़ा है कि ये 674.5 फीट घटके आज 667 फीट आ गया, यानी कि नदी पूरी तरीके से सूख गई है। हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, हरियाणा ने सारा पानी, दिल्ली के हक का पानी अपनी तरफ रख लिया है, रोक लिया है, दिल्ली वालों को नहीं दिया जा रहा है। आज दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे कि आप ही ने, सुप्रीम कोर्ट नहीं, 1995 में तय किया था कि रोजाना हरियाणा को इतना पानी दिल्ली को सौंपना। आज उसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की, ऑर्डर की, जजमेंट की धज्जियां हरियाणा सरकार उड़ा रही है और हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी मार लिया। मैं आपको बता दूं, 120 एमजीडी, 120 मिलियन गैलन ऑफ वाटर प्रतिदिन हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा है जो देना चाहिए, उसने अपने पास रोक लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। और उससे आप देख रहे हैं दिल्ली के कई बड़े इलाके प्रभावित हैं, वीआईपी इलाके जो एनडीएमसी का इलाका है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाईकोर्ट है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, ये सारा एरिया इफेक्टेड है, सेंट्रल दिल्ली इफेक्टेड है, वेस्ट दिल्ली इफेक्टेड है, साउथ दिल्ली इफेक्टेड है, सारे एरिया इफेक्टेड है। पूरी जलापूर्ति पूरी दिल्ली में एक प्रकार से बाधित हो गई है, क्योंकि यमुना नदी से हरियाणा की ओर से जो पानी आता था वो सबसे ज्यादा पानी है हमारे ओवरऑल वाटर प्रोडक्शन का, और इसी के चलते दिल्ली की तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में वाटर प्रोडक्शन 40-50% घटता जा रहा है, नजर आ रहा है घटते हुए। तो मेरी हाथ जोड़ से हरियाणा सरकार से विनती है कि आप जल्द से जल्द दिल्ली वालों के हक का पानी, जो आपका कानूनी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है दिल्ली को वो पानी देना, आप दिल्ली को मुहैया कराइए, दिल्ली का अधिकार दीजिए। हम आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई झोली फैलाकर भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपको हमें देना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानक तय करे हैं और उसके अनुसार हमें ये पानी मिलना चाहिए। अगर हरियाणा हमारी विनती नहीं स्वीकारता है तो दिल्ली जल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, ऐसा फैसला दिल्ली जल बोर्ड ने ले लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पानी की सप्लाई को लेकर साल 1995 में दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के हिस्से को लेकर फैसला सुनाया था, जिसके तहत दिल्ली के आप विधायक राघव चड्ढा ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानूनी रूप से तय मात्रा से 120 एमजीडी कम जल की आपूर्ति की जा रही है।
दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार की ओर से 2 करोड़ की आबादी में से 20 लाख लोगों का पानी रोका गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।